हेलो, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सभी स्टूडेंट को पता है कि अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है एजुकेशन के क्षेत्र में। यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं, एक मिनट, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ और भी एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के आप पढ़ाई कर सकोगे। मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल, पॉलिटी और सोशियोलॉजी ऑप्शनल, जो कि हिस्ट्री ऑप्शनल अभी रुका हुआ है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल की फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो चुका है, सेकंड पेपर ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो फर्स्ट पेपर की जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट है, एक क्लास हो चुकी है कल, यानी आज दूसरी क्लास होगी, कल मार्क्स पढ़ना है। ठीक है, ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, इसमें जुड़ के सभी को फॉलो कर लेना है। यहाँ भी मेरी क्लासेस और टेस्ट सीरीज मिलेगा। साथ ही साथ ये टेलीग्राम लिंक है, SPTSC10DBYT, दोनों मेरे कोड हैं। आपको यहाँ पे दो फायदे मिलने वाले हैं, यहाँ पर एक और, यहाँ जैसे कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको यहाँ पे आप देखोगे इसके अंतर्गत, यहाँ पर आप जैसे देखें, एक मिनट रुकिएगा, क्लास स्टार्ट नहीं हुई है? हाँ, क्लास स्टार्ट हो गई है। हेलो सतन, ओके, दूसरी क्लास एक्चुअल में स्टार्ट हो गई थी। तो चलिए, मतलब यही क्लास पे अपने को करना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि प्लस और आइकॉनिक के अंतर्गत आप यहाँ पर मेरा कोड यूज करके डिस्काउंट प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि प्लस में, जैसे कि मैं डेली बोलता हूँ कि लाइव, इसमें से प्लस में क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीजें हैं, और आइकॉनिक में क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जैसे कि इसमें आप देखिए हमारा ये इंटरव्यू पैनल है, इसके माध्यम से अगर आप एलिजिबल होते हैं तो पूरा सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ 2 मार्च और 13 मार्च को हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, ये कोड यूज करके अनलॉक हो जाएगी और सभी को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, कुछ हमारे ये बैचेज हैं, हेलो कृष्णा, ये बैचेज हैं, इनको ज्वाइन कर लेना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको, मुझे आप लोगों के एक्चुअल में क्वेश्चन दिख सकें। हाँ, सही है, ओके। हेलो एकता, क्रिस शर्मा, चलो शुरुआत करते हैं। तो एकता, हमें कहाँ, आप मुझे बताते हैं, टेक्निकल सब लोग आ गए हैं ना, शुरू करें हम, बताइए। देखिए कल हम जहां पे पढ़ रहे थे, आज हमें मतलब कल हमने देखा था कि जो अखंडता है और अखंडता के साथ साथ एकता, यानी जो हमारा सत्ता का क्या उद्देश्य रहेगा, प्रियम्बल के अंदर एक एक शब्दों को हमने डिटेल से डिस्क्राइब किया था। अब हमें क्या करना है, आज प्रस्तावना की उपयोगिता, तो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की उपयोगिता देख लो। प्रस्तावना की उपयोगिता, प्रस्तावना की उपयोगिता, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा यहां समझने का प्रयास करिएगा। देखो भाई, प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का एक तरीके से समरी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है। तो प्रियम्बल एक प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का क्या है, समरी है। यह संविधान की आत्मा है, देखो यह संविधान का, यह क्या है, यह संविधान का समरी है, संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है, यह समरी है। साथ ही साथ यह संविधान की आत्मा है, क्योंकि कहा
कल एक मैंने बताया था कि एक संविधान वेता इसको बोल रहे थे कि ये संविधान की आत्मा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कल के लेक्चर में मैंने डिटेल से बात करी थी इस विषय में। इसमें से राजनैतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। ये जो प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल में यानी राजनैतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का, हमारी जो प्रस्तावना है इसमें से राजनैतिक, राजनैतिक, धार्मिक, धार्मिक और इसके साथ साथ नैतिक मूल्यों का, किसका, नैतिक मूल्यों का, राजनैतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का क्या है, उल्लेख है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये हमारा एक्चुअल में क्या है, ये प्रियम्बल है, ठीक है। इसमें से कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, इनमें से क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं अगर हम बात करें तो आप देखो ऐसा कह सकते हो, काजल, राजकुमार, सत्येंद्र, अवधेश, टेक्निकल स्टेटस। कल का लेक्चर आप लोगों ने देखा या नहीं देखा पहले तो आप मुझे ये बताते हैं, कल का लेक्चर आप लोगों ने देखा या नहीं देखा है। इसके साथ साथ देखो जो प्रस्तावना का महत्व है, प्रस्तावना का जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता है या ठीक ठीक अर्थ जानने में उसमें कठिनाई होती है, तब उसके स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जब हम संविधान में बीच में कोई कठिनाइयां आती है, अनुच्छेद अस्पष्ट होता है, तो उसके स्पष्टता को निर्धारित करने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए हम प्रस्तावना की भाषा का सहारा लेते हैं। वहीं सर अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में अगर कहें तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। कौन कह रहे हैं, देखो यहां से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, तो सर अल्लादि, सर अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर कह रहे हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है, ये जो संविधान की क्या है, प्रस्तावना है, प्रस्तावना है, ये क्या है, ये दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये दीर्घकालिक सपनों का विचार है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है, विचार है। के मुंशी जो कि मैंने बताया कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की ये जन्म कुंडली की बात करते हैं और प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है, हम किस दिशा में जाएंगे, ये सारी चीजों का उल्लेख है। मतलब जो प्रियम्बल है प्रस्तावना में, ये सारी चीजों का क्या है, उल्लेख है कि हम कैसे होंगे, हम क्या करेंगे, हमारा क्या उद्देश्य होगा, हमारा क्या ध्येय होगा, हम किस दिशा में जाएंगे, ये सारी चीजें ये प्रस्तावना में मिलती है। कहाँ पे, प्रस्तावना में मिलती है। अब देखो जरा एक चीज समझने का प्रयास करेगा कि तो प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या संशोधनीय है या नहीं है, ये एक विषय निकल के आता है, तो इसके बारे में जरा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखो प्रस्तावना की अगर बात करते हैं तो इसमें से दो केसों को मैं बताऊंगा, दो केस आते हैं, इन दो केस में क्या क्या कहा जाता है प्रस्तावना को लेकर के, क्या क्या बातें कही जाती हैं। देखो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, पहले इसे लिख लेते हैं, प्रस्तावना परिवर्तनीय संशोधनी है या नहीं, परिवर्तनीय संशोधनी, संशोधनी मतलब इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ध्यान रखिएगा, संशोधनी, संशोधनी है या नहीं, है या नहीं। मैं दो केस आपको बताने वाला हूं, इन दो केस में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो प्रियम्बल है हमारी ये संशोधनी है या नहीं है। अगर हम बात करें जो प्रस्तावना से संबंधित ये कुछ इशूज हैं, ये मुद्दे हैं, देखो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, एक ये मुद्दा उभर के आता है।
प्रस्तावना संशोधनी है या नहीं, एक ये उभर के आता है। तो अगर हम प्रस्तावना की अगर बात करें तो पहले तो ये देखेंगे इससे संबंधित जो मुद्दा है कि देखो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 जो आर्टिकल 368 है इसके अंतर्गत करी जाती है। बेरुवाड़ी विवाद में जो प्रस्तावना के संबंध प्रस्तावना के रिगार्डिंग इसमें मतलब कि संशोधन होगा या नहीं, तो इसमें से कहा जाता है बेरुवाड़ी विवाद 1960 में इसमें कहा जाता है कि नहीं प्रस्तावना जो प्रस्तावना है यह संविधान का अंग नहीं है। किसमें कहा जाता है? बेरुवाड़ी विवाद में। इसके बाद केशवानंद भारती केस आता है 1973 में और इसमें कहा जाता है हाँ पर यह मूल ढांचे का सिद्धांत यही निकल के आता है। इसमें से मूल ढांचे का सिद्धांत निकल के आता है। यहां मूल ढांचे का सिद्धांत का मतलब क्या है जरा इसे समझने का प्रयास करेगा। मैंने आपको बताया इससे संबंधित जो मुद्दा है एक्चुअल में मुद्दा है क्या, देखो यहाँ पे आपको एक चीज ये समझना है कि जो केशवानंद भारती जो मसला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य इसमें कहा जाता है ये संशोधनी है, प्रस्तावना क्या है संशोधनी है। और इसके साथ साथ जो दूसरा केस जो कि बेरुवाड़ी वर्सेस संघ जो 1960 में इसमें पहले कह दिया जाता है कि यह संशोधनी नहीं है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधनी है बेरुवाड़ी सॉरी केशवानंद भारती वाद में कहते हैं लेकिन इसमें से मूल ढांचे जो मूल ढांचा है बेसिक स्ट्रक्चर है इससे संबंधित जो संबंधित विषय है उसमें से किसी प्रकार का संशोधन नहीं संभव होगा। लेकिन जो वही बेरुवाड़ी वाद में 1960 में कहा जाता है कि संशोधन नहीं होगा क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे करके आप लिख सकते हो, एक तरफ लिख लो इसमें से एक तरफ ये लिख लो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य यहां से क्वेश्चन आएगा ध्यान रखिएगा, ये मैं इस वजह से लिख के भी बता देता हूं। ठीक है, बेरुवाड़ी वाद वर्सेस यूनियन, ठीक है मतलब संघ 1960 की ये बात है और ये 1973 की बात है। देखो प्रस्तावना जो है ये संशोधनी है या नहीं, तो केशवानंद भारती में कहा जाता है यस संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में संशोधन पॉसिबल है। लेकिन वही 1960 में कहा जाता है कि भाई जो प्रियम्बल है इसमें संशोधन नहीं होगा। इसके पीछे क्यों संशोधन नहीं होगा, कहा जाता है जो प्रियम्बल है प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, इस वजह से इसमें संशोधन नहीं होगा। जो बेरुवाड़ी बाद में कहा जाता है कि यह संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है इस वजह से इसमें से संशोधन नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ इसमें से कहा जाता है केशवानंद भारती 1973 में कि हाँ भी संशोधन होगा और जो अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन होगा 368 जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, लेकिन ध्यान रखना होगा कि जो संविधान का जो मूल ढांचा है अगर उससे संबंधित कोई विषय आता है संशोधन नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। हाँ बिल्कुल हाँ ठीक है मैं बताऊंगा काजल मैंने बिल्कुल हाँ ठीक है ठाकुर दास भार्गव के बारे में मैंने कल बताया था, तो यहां तक उम्मीद करता हूं यहां से क्वेश्चन आएगा। देखो उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह अभी निर्धारित किया कि जो उद्देशिका है जो प्रियम्बल है ये संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित कर दिया यह स्पष्ट कर दिया कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं होगा जो कि यह आधारभूत ढांचा है, क्योंकि आधारभूत ढांचा है। इसमें से यह निर्धारित किया गया कि ठीक है कोई बात नहीं है संशोधन कर सकते हो लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा। अब देखो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता ये तीन शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन देखो इससे संबंधित मुद्दे हैं, आज का ये प्रस्तावना का करीब आधा क्लास होगा समाप्त कर लेंगे। तो जो 42वां संविधान संशोधन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में
तीन शब्द जोड़े गए। कौन कौन से हैं भाई ये तीन शब्द? एक शब्द जोड़ा गया समाजवादी, ये पहले नहीं थे, ये जो शब्द है समाजवादी ये पहले नहीं था, हमारी मूल प्रस्तावना में नहीं था। दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष है। इन तीनों के मतलब डिटेल से मैंने समझाया है, ठीक है ना, पिछली क्लासेस में जो बच्चा आज नया है वो पिछली क्लासेस में देख लेगा। और एक शब्द जोड़ा गया अखंडता, अखंडता, अखंडता। ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है ये तभी जोड़े जाते हैं। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता बंधुत्व के आदर्शों को, जैसे कि कल मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रहा था तो सोशियोलॉजी के अंतर्गत मैंने लिबर्टी इक्वेलिटी फ्रेटर्निटी यानी जो तीन शब्द हैं इनको फ्रांस की क्रांति जो कि ये 1789 से 1799 करीब 10 सालों तक चलती है, तो ये तीन शब्द जो कि भारत के प्रियम्बल में है ये आदर्श वाक्य है। कौन कौन से आदर्श वाक्य है ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, दूसरा शब्द है समता, जो शब्द है बंधुत्व है। कहां से लिया गया है ये भी क्वेश्चन खासकर स्टेट सिविल सर्विस में पूछा जाती से, कहां से भी फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से 1900 ये फ्रांस की क्रांति 1789 से 99 करीब ये 10 सालों तक चलती है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से, एक और शब्द है ध्यान से सुनिएगा, मतलब इसमें से सामाजिक, सामाजिक राजनीतिक, राजनीतिक और इसके साथ साथ इसमें से एक शब्द है आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये 1917 की बात है, रूस की क्रांति से लिया गया। कहां से भाई? रूस की क्रांति से। अब उम्मीद करता हूं कोई भी क्वेश्चन अगर प्रियम्बल से आता है तो कोई भी क्वेश्चन अगर प्रस्तावना से किसी से आता है तो नहीं छूटेगा। देखो प्रकार से राज्य की संकल्पना भी आती है, जो राज्य है कैसे एक्ट करेगा इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि देखो इस चीज जब आप समझ पाएंगे क्योंकि मेंस में आपके लिए कहीं ना कहीं ये लिखने के लिए जरूर आता है। तो राज्य का धर्म जो है, राज्य का धर्म के प्रति जो राज्य है, जैसे कि भारत, मान लो कि भारत की बात करते हैं, इसकी भारत की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, तो धर्म के प्रति जो व्यवहार के आधार पर तीन संकल्पना, तीन कॉन्सेप्ट होता है। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट तीन होता है? एक नास्तिक राज्य होता है। इसका मतलब बताता हूं कि नास्तिक राज्य का मतलब क्या है, एक नास्तिक राज्य होता है, ठीक है, नास्तिक राज्य। नास्तिक राज्य का मतलब यहां ये है कि राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता है, यहाँ पे जो राज्य, ऐसा कोई देश, ऐसा कोई राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करे, यह नास्तिक राज्य है। नास्तिकता क्या है? वो किसी को भी फॉलो नहीं करता, सभी का विरोध करता है, तो वैसे राज्य को नास्तिक राज्य कहा जाएगा। एक सैद्धांतिक राज्य होता है, ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म हो, ऐसा राज्य जिसका अपना कोई विशेष धर्म हो, जस्ट लाइक श्रीलंका, जैसे श्रीलंका, ये सैद्धांतिक राज्य कहलाता है। क्या? सैद्धांतिक, सैद्धांतिक राज्य, ठीक है। अब तीसरा जो है धर्म निरपेक्ष राज्य, जैसे कि भारत है ना, धर्म निरपेक्ष राज्य, धर्म निरपेक्ष राज्य, हालांकि धर्म निरपेक्ष ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका था। देखो ऐसा राज्य जो धर्म के मामलों में तटस्थ रहे, जिसका कोई विशेष धर्म ना हो, जैसे कि भारत, जैसे कि भारत, ठीक है। तो ये आपने सारी चीजों को देखा। अब ये प्रियम्बल का जितना मसला था ये हो गया समाप्त। अगर किसी भी बच्चे को यहां तक कोई थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो, अगर यहां तक डाउट नहीं है तो आज हम भाग एक जो कि भारत संघ और उसका राज क्षेत्र, ये हम इसमें से क्विट कर जाएंगे। और इसमें से क्या क्या पढ़ेंगे भाग एक में, जरा ये मैं आपको पहले से बता देता हूं। भाग एक में जो भारत संघ और उसका राज क्षेत्र, भारत संघ, अगर प्रस्तावना से किसी भी बच्चे को क्वेश्चन है तो पूछ लो, भारत संघ और राज क्षेत्र, भारत संघ और राज क्षेत्र,
इसमें से हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये जान लो। देखो संघीय शासन, क्योंकि इसके अंतर्गत पहले हमें बेसिक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूं कि यूपीएससी कॉन्सेप्ट का परीक्षा है, यूपीएससी में रटना कुछ नहीं है। आप देखो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जरूरी आर्टिकल, लेकिन आर्टिकल्स को भी रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाग एक में जो हमारा फोकस रहेगा किस किस चीजों पे रहेगा, तो एक संघीय शासन क्या होता है, संघीय शासन देखेंगे कि संघीय शासन क्या है, संघीय शासन क्या है। इसी के साथ साथ एकात्मक शासन क्या है, एकात्मक शासन किसे कहते हैं, क्या है, किसका उदाहरण, कौन सा देश उदाहरण है। इस इन दोनों की विशेषताएं और भारतीय संघीय शासन की विशेषताएं, इन दोनों की विशेषताएं डिस्कस करेंगे, विशेषताएं और भारतीय जो संघीय शासन है, यानी ये ए हो गया और ये बी, तो भारतीय संघीय शासन की विशेषताएं, हमारा जो संघीय शासन है वो कैसा है, भारतीय संघीय शासन की अभी डिस्कस करेंगे, संघीय शासन की विशेषताएं। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो मैं आपको आर्टिकल 124 पढ़ा दूं इसमें काम नहीं चलने वाला है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल मैं बार बार बोल रहा हूं, टीचर का मतलब ये कतई नहीं होता है कि चीजों को पढ़ के, टीचर का मतलब ये होता है कि जो चीजों को आसान बना दे, थोड़ा सा बेहतर कर दे। इसके साथ साथ इसमें से हम भारत संघ और उसका राज क्षेत्र, दूसरे नंबर पर भारत संघ, भारत संघ और उसका राज क्षेत्र पढ़ेंगे, राज क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर राज्यों का पुनर्गठन, इसी में पढ़ेंगे हम राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। चौथे नंबर पे संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र। और पांचवें नंबर पर हम अनुसूचित जाति, ध्यान से सुनिएगा ये इसी में पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन आता है पीटी में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये आपकी विषय वस्तु है प्रशासन, ठीक है। इसमें से पांचवी और छठवीं अनुसूची पढ़ेंगे, इसमें से क्या पढ़ेंगे, पांचवी और छठवीं अनुसूची, ठीक है। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसके बाद चलो अब हम सब हेडिंग जो हमारा था, क्या था भाई सब हेडिंग, इसमें से मैंने बताया था संघीय शासन, क्या है संघीय शासन। तो संघीय शासन की धारणा क्या है, भारत संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो संघीय शासन, एकात्मक शासन की विशेषता, भारतीय संघीय शासन की विशेषता, इसको समझने का प्रयास करेगा। तो पहले संघीय शासन की धारणा देख लेते हैं, संघीय शासन क्या है, हमें यही पढ़ना था ना सबसे पहले, क्या संघीय शासन पढ़ना था, है ना। तो संघीय शासन है क्या, जरा इसे समझने का प्रयास करिए। संघीय शासन, संघीय शासन की धारणा, धारणा देखो, संघीय शासन की धारणा अमेरिकी संविधान में लोकप्रिय हुई, यहां संघवाद राज्यों के मध्य समझौते द्वारा हुआ। यहां का जो संघवाद है वो राज्यों के, जो कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, कितने 50 स्टेट हैं, तो राज्यों के बीच कंप्रोमाइज हुआ, समझौता हुआ। तो यहाँ का जो संघ है, अमेरिकी संविधान में जो संघवाद राज्यों के मध्य समझौते के द्वारा निर्मित हुआ, इसीलिए इसे नीचे से संघवाद भी कहते हैं, इसी वजह से इसको नीचे से संघवाद भी कहते हैं। क्यों, इसमें से फेडरलिज्म फ्रॉम बिलो, फेडरलिज्म फ्रॉम बिलो, अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से यूपीएससी यूं ही पूछेगा कि नीचे से संघवाद का मतलब क्या है या फेडरलिज्म फ्रॉम बिलो का मतलब क्या है, तो यहां जो संघवाद का मतलब ये है, जो संघवाद का मतलब ये है कि अमेरिकी संघवाद में जो राज्यों के समझौते से संघवाद बना, ठीक है, ये राज्यों के समझौते से क्या हुआ, निर्मित हुआ, किसके, राज्यों के समझौते, राज्यों के समझौते से।
इस वजह से नीचे से संघवाद यानी फेडरलिज्म फ्रॉम बिलो, फेडरलिज्म फ्रॉम बिलो। इसमें बहु स्त्री सरकार होती है, जो संघवाद होता है इसमें से मल्टी लेयर गवर्नमेंट होती है, बहु स्त्री सरकार होती है। यहां पर बहु स्त्री सरकार होती है। सरकार बहु स्त्री का मतलब कि मान लो जैसे केंद्र में सरकार होगी, फिर केंद्र के बाद राज्य में सरकार होगी, और इसके बाद क्या है लोकल लेवल में, लोकल स्तर में सरकार होगी। तो ये भी संघवाद की क्या है एक अगली विशेषता है। साथ ही साथ लिखित संविधान के माध्यम से यहां शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का विभाजन किया जाता है लिखित संविधान के माध्यम से, संघवाद में लिखित संविधान के माध्यम से, संविधान यहां लिखित होता है, इसी के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा विभाजन, जो शक्ति है पार है शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का पाया जाना, स्वतंत्र न्यायपालिका ऐसे क्षेत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का पाया जाना, यहां मतलब सॉरी संघवाद में स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। साथ ही साथ देखोगे कि दोहरी व्यवस्था का पाया जाना, यहां पे दोहरी व्यवस्था का पाया जाना, दोहरी व्यवस्था का पाया जाना, ये सभी संघवाद की विशेषता है, ध्यान रखिएगा। दोहरी व्यवस्था का पाया जाना, जैसे कि केंद्र और राज्य का अलग अलग संविधान होना, इसके अंतर्गत आप ऐसे कह सकते हो कि सेंट्रल सेंट्रल और स्टेट स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना। साथ ही साथ दोहरी नागरिकता, यहां पे क्या होगी दोहरी नागरिकता होगी, दोहरी तभी तो दोहरी व्यवस्था हुई ना, तो दोहरी नागरिकता होगी, मतलब कि केंद्र की नागरिकता मिलेगी आपको और राज्य की भी, जहां रह रहे होंगे राज्य की नागरिकता मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे दोहरी न्यायपालिका होगी, दोहरी न्यायपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, दोहरी न्यायपालिका होगी। वहीं केंद्र में जो सेंटर है, केंद्र में द्विसदनी विधायिका होगी, यहाँ पे द्विसदनी विधायिका होगी, जहां पे उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा, यहाँ पे उच्च सदन, ध्यान रखिएगा संघवाद में उच्च सदन ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि हमारे यहाँ भी ना तो जो राज्यसभा है उच्च सदन है ना, तो ये किसका राज्यों का ही तो प्रतिनिधित्व करता है, तो इसी तरह यहाँ पर भी जो उच्च सदन है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका में संघीय शासन के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जहां केंद्र की तुलना में शक्तियां राज्यों की ओर ज्यादा होती हैं। ये जो संघीय व्यवस्था है ये अमेरिका में पाई जाती है, और वहां संघीय व्यवस्था के लिए, संघीय शासन के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है फेडरेशन, फेडरेशन। इसका मतलब क्या है देखो, फेडरेशन शब्द का जो प्रयोग यहाँ पे केंद्र की तुलना में, जो केंद्र है राज्य को शक्तियां ज्यादा होती हैं, केंद्र की तुलना में राज्य है राज्य को शक्तियां क्या होती हैं ज्यादा होती हैं, राज्य को शक्तियां ज्यादा, राज्य की ओर शक्तियों का झुकाव ज्यादा होता है। जैसे कि बात करें अमेरिका में राज्यों के नाम, सुनना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो अमेरिका में राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा बिना राज्यों की अनुमति के, अनुमति के नहीं बल्कि अमेरिकी संघवाद को इसमें से बिना जो राज्य है उनकी अनुमति के इसको नहीं छेड़ा जा सकता है। इसी वजह से अमेरिकी संघवाद को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, क्या कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। देखो कि अगर मान लो कि राज्यों की सीमा बदलना है, सीमा बदलना है, भू क्षेत्र बदलना है और भू क्षेत्र के साथ साथ नाम बदलना है, तो बिना उस राज्य की कंसेंट के आप नहीं कर सकते हो, बिना राज्य की कंसेंट के आप नहीं कर सकते हो। इसका मतलब कि आप राज्य का विनाश नहीं कर सकते हो, राज्य को तोड़ मोड़ नहीं सकते हो, राज्य को नहीं तोड़ा जा सकता। और साथ ही साथ देखो इसी राज्यों के समझौते से केंद्र का निर्माण हुआ है,
तो केंद्र को भी नहीं तोड़ा जा सकता, तो ना ही केंद्र का विनाश होगा और ना ही राज्य का विनाश होगा। इसी वजह से अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं अमेरिका को, अमेरिकी संघवाद को। इसी वजह से जो अमेरिकी संघवाद है, कोई नहीं पढ़ाएगा, ये बोल रहा हूं बार बार, और कहीं पढ़ेंगे भी नहीं, मतलब बुक्स वगैरह में है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, लेकिन टीचर नहीं पढ़ाते हैं। जो अमेरिकी संघवाद है, अमेरिकी संघवाद को अविनाशी राज्यों का, अब समझ आया, अविनाशी मतलब जिसका विनाश ना किया जा सके, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, अविनाशी संघ कहा जाता है। अब समझ आया, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, ठीक है। देखो इसमें से ये कुछ इसके करेक्टर सही नोट डाल के प्लीज लिख लीजिएगा। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित होती हैं, यहां जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कहां निहित होती हैं, राज्यों में निहित होती हैं, राज्यों में निहित होती हैं, निहित होती हैं। यह केंद्र की विधायिका में उच्च सदन, जो कि केंद्र की विधायिका है, दो द्विसदनी है, तो जो उच्च सदन है, उच्च सदन इसको क्या कहते हैं, सीनेट बोलते हैं ना, सीनेट, यह राज्यों के समान प्रतिनिधित्व यहां पे दिया गया है। सीनेट में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, इसीलिए इसे सम्मित संघवाद कहा जाता है। मतलब कि ऐसे समझो कि 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों में सभी को दो दो सीट सीनेट में दी गई है, दो दो सीट दी गई है। यहां मैटर ये कतई नहीं करता है कि चाहे सीटें किसी की कम हो या सॉरी जनसंख्या कम हो या ज्यादा हो, तो इसी वजह से ये सम्मित संघवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, सम्मित संघवाद कहलाता है, संघवाद कहलाता है। क्यों, देखो भारत का जो उच्च सदन है, जो राज्यसभा है, इसमें से सीटों का बंटवारा इक्वल नहीं है, उसकी जनसंख्या के अनुसार है। इसी वजह से भारत को असम्मित संघवाद कहते हैं। अमेरिका में ये है कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो हर एक को 2 सीटें अलॉट कर दी गई हैं, आपके चाहे संख्या 2 हो या फिर 2 लाख हो या 2 करोड़ हो। तो ये सम्मित संघवाद है, सभी को इक्वल क्या है, ट्रीट किया गया है। अब बताओ यहां तक किसी को, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, किसी भी बच्चे को यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। आप लोगों के क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं मुझे, पूछो सभी बच्चे। राजकुमार, पूजा, सतेंद्र, एम टेक्निकल, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लियर है यहां तक। तो यहां तक देखा, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट नहीं है। आपने ये देखा, ये जितनी भी करेक्टर बताया मैंने संघवाद के, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आपको इतना डिटेल से नहीं कोई बताएगा। फिर एक बार सुन लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा और यहीं से आप क्या है फिर खा जाएंगे, यहीं से आप यहीं नहीं कर पाएंगे। मैंने देखो संघीय शासन, मतलब जो संघीय शासन की जो अमेरिकी धारणा, जो अमेरिकी संविधान से इसकी धारणा ली गई है, ये वही लोकप्रिय हुआ। यहाँ संघवाद राज्यों के बीच, जो यहाँ का संघवाद है, फेडरिज्म है, वो राज्यों के मध्य समझौते से बना है। जो राज्य है अमेरिका है, तो मान लो कि जैसे ऐसी बात करें, जैसे मान लो कि जैसे ऐसे है ना अमेरिका, कुछ ऐसे, तो इसमें से 50 राज्य हैं। जब अमेरिका को बनाया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए को बनाया गया, यूएसए को, तो इसमें से सभी राज्यों के मध्य, 50 राज्यों के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ।
इसी वजह से, इसीलिए इसे नीचे से संघवाद भी कहा जाता है। इसी वजह से समझौते के चलते नीचे से संघवाद या फेडरलिज्म फ्रॉम बिलो कहा जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और अगेन पूछा जाएगा, ठीक है। तो फेडरलिज्म फ्रॉम बिलो, एक एक शब्द मैं इसी वजह से डिस्कस कर रहा हूं, फेडरलिज्म फ्रॉम बिलो, फ्रॉम बिलो, बिलो, ठीक है। अब देखो, यहां मल्टी लेयर सरकार होती है, यहां लिखित संविधान होता है, शक्तियों का जो बंटवारा है लिखित संविधान के माध्यम से होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और दोहरी व्यवस्था पाई जाती है। दोहरी व्यवस्था, प्रॉपरली दोहरी व्यवस्था का मतलब कि जैसे कि केंद्र और राज्य का अलग अलग संविधान होगा, यहाँ जो केंद्र है और राज्य है इन सभी का अलग अलग संविधान होता है। यहाँ दोहरी सिटीजनशिप होती है, क्या है, एक तो आप यूएसए के सिटीजन हैं और दूसरा जिस आप राज्य से बिलोंग करते हैं वहां के आप नागरिक। साथ ही साथ दोहरी न्यायपालिका भी है कि आप एक सेंट्रल का क्या है, एक न्यायालय है और एक वही राज्य का, वही केंद्र में द्विसदनी विधायिका जो कि एक उच्च सदन जिसको सीनेट कहा जाता है, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जस्ट लाइक भारत में राज्यसभा, जस्ट लाइक भारत में राज्यसभा। अमेरिका के संघीय शासन के लिए एक शब्द प्रयोग करा जाता है जिसको फेडरेशन कहते हैं। देखो फेडरेशन है वो केंद्र की तुलना में, फेडरेशन का मतलब यहाँ ताल्लुक इस बात से है कि जो केंद्र की तुलना में राज्यों को ज्यादा पास दिए गए हैं, ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, मतलब शक्तियों का जो झुकाव राज्यों की तरफ ज्यादा है। जैसे एक उदाहरण से अगर आप समझें तो आप ऐसा कह सकते हो कि अमेरिका में, जैसे भारत में जस्ट अपोजिट है, लेकिन अमेरिका में अगर यूएसए को किसी राज्य का नाम बदलना है या उसका भू क्षेत्र बदलना है, जैसे योगी जी अचानक किसी का भी नाम बदल देते हैं, मतलब अपने क्षेत्र, तो भू क्षेत्र की सीमा बदलना है, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर सेंट्रल करता है मान लो, तो वहां उस राज्य से सहमति जरूरी है, उस राज्य से सहमति जरूरी है तभी पॉसिबल है, अनुमति लेनी होगी। इसी वजह से अमेरिकी संघवाद को, क्योंकि बिना राज्यों के उसका विनाश संभव नहीं है, उनकी बिना कंसेंट के, तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ना ही राज्यों का विनाश हो सकता है और ना ही क्या हो सकता है किसी उनका विनाश, यानी सेंट्रल का विनाश हो सकता है। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो राज्यों में निहित होती हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं कहां, वो राज्यों में निहित है। वही केंद्र की विधायिका में उच्च सदन यानी सीनेट जो कि राज्यों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और इसीलिए इसे सम्मित संघवाद कहा जाता है, इसीलिए इसको सम्मित संघवाद कहा जाता है। अब बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, आप लोग सब चले गए क्या, या मुझे क्वेश्चन, शायद मेरा फोन हैंग कर गया है, पता ही नहीं चल रहा है, एक मिनट, चलो अब एकात्मक शासन की विशेषता देखना जरा भाई, जो एकात्मक, आपने संघीय शासन की विशेषता देखा, अब एकात्मक शासन, एकात्मक शासन की विशेषता, विशेषता, एकात्मक शासन की विशेषता या विशेषताएं कर लो, विशेषताएं, ठीक है। अब देखो एकात्मक शासन की क्या क्या विशेषताएं हैं, एकल सरकार का होना, ही एकल सरकार का होना, एकल सरकार का होना, सभी शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होना, जितनी भी शक्तियां हैं सभी शक्तियां केंद्रीय सरकार में, कहां, केंद्रीय सरकार में निहित होना, सरकार में निहित होना, कि यहां पर केंद्र और उसकी इकाइयों में शक्तियों का विभाजन नहीं पाया जाता, यहां पर केंद्र और उसकी इकाइयों, उसकी
इकाइयां, उसकी जो इकाइयों में जो शक्तियों का विभाजन नहीं पाया जाता, शक्तियों का विभाजन नहीं पाया जाता, विभाजन नहीं पाया जाता। देखो केंद्र और उसकी जो यूनिट्स है, यहां पे शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा, यहाँ पे शक्तियों का विभाजन नहीं होगा, यहाँ पे एकल व्यवस्था पाई जाती है। जैसे कि अमेरिका में मैंने बताया दोहरी व्यवस्था थी, यहाँ पे एकल व्यवस्था पाई जाती है, एकल व्यवस्था पाई जाती है, एकल व्यवस्था पाई जाती है। एकल व्यवस्था में एकल संविधान हो गया, क्या हो गया भाई, एकल संविधान हो गया, एकल संविधान हो गया, एकल नागरिकता हो गई, यहां एकल नागरिकता, एक जगह एक नागरिक, मतलब केंद्र की ही नागरिकता होगी, एकल सिटीजनशिप होगी। इसके साथ साथ एकीकृत न्यायपालिका, यूनिफाइड, एकीकृत न्यायपालिका होगी। यह एकात्मक शासन की विशेषता है। ये क्या है, ये सभी एकात्मक शासन की विशेषताएं। तो आपने संघीय शासन की विशेषताएं देखा और एकात्मक शासन की विशेषताएं देखा। एकात्मक शासन की जो धारणा ब्रिटेन में पाई जाती है, ये कहां, ब्रिटेन में पाई जाती है। आपसे ये भी तो उदाहरण पूछा जा सकता है ना, तो इसकी जो धारणा है कहां, ब्रिटेन में, ध्यान रखिएगा। तो यहां तक किसी भी बच्चा लोग को, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, इतना आपको डिटेल से कोई नहीं बताने, ठीक है। एकता, और सभी को ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है क्लासेस, प्लीज सभी बच्चों को अपने दोस्तों के साथ क्लासेस शेयर करना है। ये नोट्स मैं कर दूंगा आप लोगों के ग्रुप में, ये मैं नोट्स करवा दूंगा। देखो एक रफ बनाते, रफ में तो बहुत ही अच्छा होगा, साथ साथ लिखते जाओ, क्योंकि सारी चीजें मैं यहाँ लिखता भी जाता हूँ, ठीक है। अब काजल आप कहाँ गई, काजल हो आप, यहां तक देखा। अब भारत में संघीय शासन, देखो संघीय शासन हमने देखा अमेरिका वाला, जो कोर संघीय शासन है, एकात्मक शासन भी देखा। अब हमें देखना था भारत में संघीय शासन, भारत में संघीय व्यवस्था, संघीय शासन, संघीय शासन। देखो भारत में संघीय शासन, पीटी में भी, जैसे आपको इकोनॉमी में बोलता हूं ना कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पीटी में भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल, देखो जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ पूरी मेहनत के साथ, और पूरे मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे मैं मेहनत करता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते जाइए, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, इसमें पीटी में कोई क्वेश्चन पॉलिटी से नहीं छूटेगा। चलो भारत में संघीय शासन का मतलब समझे हम। देखो भारत में संघीय शासन का विचार अमेरिकी मॉडल पर आधारित नहीं है, जैसे कि अमेरिकी मॉडल डिफरेंट है, हमारा जो ये संघीय व्यवस्था है, संघीय शासन है, ये अमेरिकी मॉडल पे आधारित। तो पहले तो ये जान लो, बल्कि हमारी जो संघीय शासन है ये कनाडा के ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट से प्रेरित है। कहां से, कनाडा के, पूछा जाएगा, कनाडा के ब्रिटिश नॉर्थ, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट, अमेरिकी एक्ट से प्रेरित है, से प्रेरित है। हमारी संघीय व्यवस्था कैसी है, जस्ट लाइक ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट की तरह। भारत में संघीय शासन के साथ साथ एकात्मक शासन की विशेषताएं पाई जाती हैं। देखो जो भारत है इसमें से कुछ संघीय विशेषताएं भी पाई जाएंगी, संघीय शासन की विशेषताएं। देखो भारत को समझने के लिए, इसी वजह से मैंने संघीय विशेषताएं और एकात्मक विशेषताएं बताई हैं। तो संघीय विशेषताएं और एकात्मक विशेषताएं, एकात्मक विशेषताएं पाई जाएंगी, एक संघीय शासन की और एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाएंगी। तो जरा भारत शासन में जो भारत शासन का जो संघीय लक्षण है ये क्या है, क्या विशेषताएं हैं, जरा ये समझने का प्रयास करेगा। भारत में संघीय व्यवस्था क्या है, देखो यहां केंद्र और राज्य है,
यहाँ केंद्र और राज्य के मध्य संविधान के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया। ये किसकी विशेषता है, ध्यान करो, ये किसकी विशेषता है, संघीय शासन की। तो भारत में जो संघीय शासन की विशेषता में जो केंद्र है, क्या है, जो केंद्र है, केंद्र और राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य संविधान के माध्यम से, किसके माध्यम से भाई, संविधान के माध्यम से, संविधान के माध्यम से शक्ति का विभाजन किया गया है, शक्ति का विभाजन किया गया है, शक्ति का विभाजन किया गया है। साथ ही साथ स्वतंत्र न्यायपालिका का पाया जाना, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका का पाया जाना। इसके साथ साथ अगर बात करें केंद्र में द्विसदनी विधायिका, केंद्र में द्विसदनी विधायिका, द्विसदनी, द्विसदनी विधायिका का पाया जाना। देखो संसद में उच्च सदन यानी जो राज्यसभा है, यह भी राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। यहाँ पे राज्यसभा में राज्यों का, ध्यान से सुनिएगा, भारत में जो संसद का उच्च सदन है, जो पार्लियामेंट का अपर हाउसेस है, अपर हाउसेस में असमान प्रतिनिधित्व है, किसका, राज्यों का। अभी मैं बताता हूं कैसे असमान प्रतिनिधित्व है। जैसे कि मान लो कि राज्यों में जो सीटें हैं भारत में, तो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा क्या है, इक्वल नहीं है, असमान है, जनसंख्या पे आधारित है। तो इसीलिए इसको असममित संघवाद भी कहा जाता है, इसीलिए इसको असममित, ध्यान से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, असममित क्यों कहा जाता है, असममित संघवाद, संघवाद भी कहा जाता है। अमेरिका को सममित संघवाद क्यों कहा जाता है, वहां सीनेट में सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि भारत की बात करें तो जैसे कि यूपी में राज्यसभा की कितनी, करीब 31 सीट है, या और जगह जैसे कि कुछ कहीं कम कहीं ज्यादा। यहां ये बेस किस पे आधारित है, ये जनसंख्या पर, किस पे, जनसंख्या पर आधारित है। तो मतलब यहां जनसंख्या जिसकी ज्यादा सीट उसकी उतनी ज्यादा, जनसंख्या जिसकी कम सीट उसकी उतनी कम। तो इसी वजह से यहाँ इक्वल, वो सॉरी इक्वल क्या है, यहाँ पे असमान प्रतिनिधित्व है, इस वजह से ये असममित संघवाद है, असममित संघवाद है। तो आपने ये देखा कि भाई भारतीय शासन में जो संघीय लक्षण क्या क्या थे, इन सारी चीजों को देखा। अब जरा भारतीय संविधान में एकात्मक शासन की भी विशेषताएं हैं, तभी तो हम ना ही पूरी तरीके से अमेरिका की संघवाद की तरह हैं और ना ही पूरी तरीके से ब्रिटेन के, हम ब्रिटेन के एकात्मक शासन की तरह हैं। तो हमारी कुछ विशेषताएं अमेरिकी संघवाद की है, कुछ विशेषताएं ब्रिटेन की संघवाद की है। तो अब जैसे कि अगर एकात्मक शासन की विशेषताओं में कि भारत में दोहरी व्यवस्था के स्थान पर एकल व्यवस्था पाई जाती है, भारत में दोहरी व्यवस्था के स्थान पे, दोहरी व्यवस्था के स्थान पे किसका, एकल व्यवस्था पाई जाती है। एकल व्यवस्था में क्या क्या, केंद्र व राज्यों का अलग अलग संविधान नहीं है, यहां एकल व्यवस्था है। कैसे एकल व्यवस्था, कि भाई केंद्र का मतलब, यहां केंद्र का मतलब भारत में एक ही संविधान है, एक ही संविधान है, राज्य और केंद्र का अलग अलग संविधान नहीं है। साथ ही साथ एकल नागरिकता भारत में दी जाती है, मात्र केंद्र की नागरिकता, भारत देश की नागरिकता मिलती है, नागरिकता मिलती है, एकल नागरिकता। साथ ही साथ यहां यूनिफाइड एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत, एकीकृत न्यायपालिका है। तो यह एकात्मक शासन की विशेषताएं हैं, यह एकात्मक शासन की विशेषताएं हैं। अब राज्यों के नाम, भूक्षेत्र, सीमा, इन सारी चीजों में बदलाव केंद्र द्वारा बिना राज्यों की अनुमति के भी पॉसिबल है, किया जा सकता है। इसीलिए इसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। ये आपको ये शब्द नहीं समझ आएगा, ये शब्द जो कि मेंशन है किसमें, ये हर बुक में है, एम लक्ष्मीकांत में भी। तो भारत को क्यों विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं, भारत को विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्यों कहते हैं, अविनाशी संघ कहते हैं, संघ कहते हैं,
इसके पीछे ये है कि भाई राज्यों का नाम, अगर राज्यों का नाम, भूक्षेत्र, भूक्षेत्र, सीमा, सीमा, इन सारी चीजों में केंद्र बिना राज्यों की अनुमति के बदलाव कर सकता है। तो देखो कोई राज्य है, फॉर एग्जाम्पल कि ये भारत है, सॉरी जैसे मान लो कि ये उत्तर प्रदेश है भारत में, तो अगर केंद्र चाहे तो उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े कर दे, एक तो बुंदेलखंड बना दे, एक तो उत्तर प्रदेश। एक केंद्र तक जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की कंसेंट ले जाए। तो यहाँ राज्यों का विनाश किया जा सकता है, राज्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इसी वजह से भारत में विनाशी राज्यों का, राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता। तो अविनाशी संघ है, मतलब अविनाशी संघ, संघ का विनाश नहीं। अब समझ आया कि आखिर इसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पूछो। दीक्षा, हेलो दीक्षा, कहां चले गए थे अभी तक? दीक्षा सभी को बता दो भी कि मेरी क्लासेस अब ये डेली हमारी क्लासेस जो 4 बजे होगी, डेली 4 बजे क्लासेस होगी हमारी। ठीक है, चलो पूछो आप कहां, यहां तक कोई डाउट हो किसी भी बच्चे को, देखो कोई डाउट हो। अब मैं आपके करीब कितना 7-8 मिनट है, तो 7-8 मिनट क्या कर लेता हूं कि सारे सभी बच्चों के क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना? 7-8 मिनट जितने भी क्वेश्चन है यहां तक डाउट है तो पूछ लो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, ये कोई भी सब्जेक्ट पॉलिटी या ये सब मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, मैं आपको ये सारा सब्जेक्ट जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये उंगलियों पे होगा। जल्दी से पूछो। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं थी, कोई डाउट नहीं है काजल? अच्छा चलो कोई डाउट नहीं है काजल को भी, वेरी गुड। पायल कुमारी, हेलो, जो भी अभी तक पढ़ाया मैंने ये पूछो, जितना भी मैंने पढ़ाया। देखो अभी हम मात्र पार्ट 1 में आज हमें एंट्री करना था लेकिन हम एक्चुअल में एंट्री नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जब अगर मैं आपको भारत में संघवाद बताऊं, अगर आपको भी संघीय शासन नहीं पता है, अगर आपको एकात्मक शासन नहीं पता है तो नहीं पता चलेगा और यह न्याय नहीं होगा, यह न्याय नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूं चाहे कम बेसक पढ़ाऊं लेकिन मतलब कि उसमें कोई डाउट ना हो। प्रियम्बल में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। मेरी एक कतई आदत नहीं रही है कि मैं चीजों को क्या करूं कि कोई भी पीडीएफ लगाऊं और पढ़ना चालू कर दूं। मेरा बहुत साफ तरीका है कि ऑफलाइन की तरीके से पढ़ाने का तरीका है मेरा। राखी, देखो ये तो पूरा 1 घंटे का लेक्चर रहा है, चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अच्छा चलो पायल, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलो ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। चलो 5-7 मिनट है आपके पास, 5-7 मिनट में आप कोशिश करता हूँ कि मैं रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा सा बस 1 मिनट और सुन लो इसके आगे, फिर मैं रिपीट करता हूँ। देखो इस प्रकार से अब नोट डाल के लिख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक शासन का अभ्युदय है, इसका सम्मिलन है, इसका सामंजस्य है, इन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जहां शक्ति का विभाजन भारत में केंद्र की ओर झुकाव है, सुनिएगा, लेकिन संघीय शासन की यह विशेषता नहीं है। इसीलिए केसी हुयर साहब जो है इसे अर्ध संघात्मक व्यवस्था या क्वाजी फेडरल व्यवस्था भी कहते हैं। तो आपसे स्टेटमेंट में ये पूछ लेगा कि भारत में जो संघवाद है ये अर्ध संघवाद किसका कथन है, कौन व्यक्ति कहते हैं? तो केसी हुयर साहब अर्ध संघात्मक व्यवस्था भी भारत को, भारत की व्यवस्था को कहते हैं।
देखो भाई, मैं एक बार, एक बच्चे ने पूछा तो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखो हमें ना, मैं आर्टिकल 124 पढ़ना था, अर्थात भारत और भारत संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ना था, लेकिन उससे पहले हमें दो तीन जो टर्मिनोलॉजी है वो जानना जरूरी है। एक तो संघवाद है क्या, एक्चुअल में कोर संघवाद क्या है, फिर इसके बाद एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, और उसके साथ साथ भारत का जो संघवाद है वो क्या है। मैं एकदम समझो कि बहुत स्पीड में पढ़ाने वाला हूँ, इन पूरी चीजों का रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है, तो 2-3 मिनट के अंदर तो बहुत स्पीड से पढ़ाऊंगा, मतलब 2-4 मिनट, ठीक है, जो कि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो संघीय, जो संघीय शासन की जो धारणा होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, संघीय शासन की जो धारणा है अमेरिकी संविधान से ली गई, ठीक है, सॉरी अमेरिकी संविधान में लोकप्रिय हुई। यहाँ संघवाद राज्यों के मध्य समझौते से निर्मित हुआ है, राज्य जो 50 राज्य है इनने समझौता किया और एक साथ आए और पूरे अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण किया, उसे इसी से निर्मित हुआ। इसी वजह से देखो यहां किससे, राज्यों से, नीचे से संघ बना है, अमेरिका में नीचे से संघ बना है, ऊपर से संघ नहीं बना है, इसी वजह से तो अमेरिका में नीचे से इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको नीचे से संघवाद कहते हैं। कैसे नीचे से संघवाद, भाई ऊपर केंद्र होता है, केंद्र के बाद क्या होता है, राज्य होता है। अब राज्यों के जो राज्य अमेरिका में क्या है, कई जो राज्य है, जैसे कि मान लो कि ये अमेरिका का ऐसे कुछ नक्शा हो, तो अमेरिका में बहुत सारे राज्य हैं, तो इन लोगों के मध्य समझौते के मध्य अमेरिका, अमेरिका बना, यूएसए बना, ठीक है, तो भाई पहला राज्य होता है फिर, तो राज्यों, तो यानी नीचे से संघवाद का विकास हुआ। इसी वजह से फेडरलिज्म फ्रॉम बिलो भी कहा जाता है, फेडरलिज्म फ्रॉम बिलो भी कहा जाता है। यहाँ मल्टी लेयर गवर्नमेंट होती है, केंद्र की अलग सरकार, राज्यों की अलग सरकार, शक्तियों का विभाजन मतलब क्लेरिफाई होता है, और लिखित संविधान भी होता है। लिखित संविधान के माध्यम से जो संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, दोहरी, जो यहाँ पे दोहरी व्यवस्था, दोहरा नेचर दिखता है, जैसे कि केंद्र का अलग संविधान, राज्य का अलग संविधान, दोनों का अलग अलग संविधान, केंद्र की अलग नागरिकता, राज्य की अलग नागरिकता, मतलब दोहरी नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका, दोहरी न्यायपालिका, वही केंद्र में द्विसदनी विधायिका है, इसमें से जो उच्च सदन है जिसको सीनेट कहा जाता है, तो सीनेट में राज्यों का इक्वल क्या है, समान प्रतिनिधित्व है, इक्वल प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। कैसे, कि जैसे अमेरिका में 50 राज्य है, भैया 50 राज्यों में से सभी को दो दो सीटें दे दी गई हैं, इसी वजह से तो इसको क्या कहते हैं, सम्मित संघवाद कहते हैं। अमेरिकी संघीय शासन के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, फेडरेशन, इसका मतलब यह है कि केंद्र की तुलना में राज्यों को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, शक्तियों का जो झुकाव है वो राज्यों की तरफ जाता है। राज्यों में, अमेरिका में जो राज्यों के नाम, सीमा और भू क्षेत्र अगर चेंज करना है तो बिना राज्यों की अनुमति के नहीं संभव है, इसीलिए अमेरिका में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी अमेरिकी संघवाद को कहते हैं। क्यों, ना भैया राज्यों का विनाश कर सकते हो और ना ही केंद्र का विनाश कर सकते हो, ठीक है, तो अविनाशी, ना ही राज्यों का विनाश होगा ना ही केंद्र का विनाश होगा। लेकिन भारत में इसी के जस्ट अपोजिट होता है। अब कैसे अपोजिट होता है, अगर केंद्र चाहे तो राज्यों का नाम, भूक्षेत्र, सीमा बदल सकती है, इसी वजह से क्या कहा जाता है, यानी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, राज्यों का विनाश संभव है, केंद्र का विनाश संभव, ठीक है। तो यहां तक ये सारी चीजों को देखा, जो भी बच्चा लोग हैं, मैं एक गुजारिश करूंगा कि कल इतना रिपीट कर दूंगा, इसके बाद, हाँ बिल्कुल, देखो राखी डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, वही मैंने बताया यहाँ, जो डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, ठीक है, वहां चीफ मिनिस्टर नहीं है, हेमंत है, वहां चीफ मिनिस्टर नहीं चुने जाते हैं, वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स होते हैं, ठीक है, थैंक यू पायल। तो इसके बाद में आगे जो भी है, कुछ और भी करेक्टर्स है एकात्मक शासन के, कल बता दूंगा, और इसके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, इसके हम आगे बढ़ेंगे। वहां ऐसे नहीं होता है हेमंत, ठीक है, उसमें हम मेंस में इसे पूरा पढ़ेंगे।
ठीक है, मेंस में से हेमंत पूरा पढ़ेंगे अभी आगे, तो ये जो बिल्कुल समझो कि अभी 1% भी नहीं पढ़ा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रटने का प्रयास नहीं करो, नहीं यूपीएससी कभी नहीं निकलेगा। स्टेट सिविल सर्विस बेशक निकल जाए, यूपीएससी कभी रटने से नहीं निकलेगा, ठीक है। और देखो कॉन्सेप्ट एक चीज ये है कि एक बार आ गया तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। कॉन्सेप्ट का एक सबसे बेहतरीन चीज यही होता है कि एक बार आया तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। तो फोकस आपका कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, रटने पे नहीं होना चाहिए। आप लोगों को एक चीज लगता है, हमेशा से लगता रहा है कि भी टीचर आए और एक वो पीपीटी लगाए और पढ़, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। चीजों को समझो, मैं क्यों बार बार एक एक चीज को डिटेल से उसको क्लासिफाई करके क्लियरिफाई करता हूँ, अलग अलग बात के और उसको क्लियर करता हूँ, क्योंकि अगर एक बार समझ आ गया तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सभी अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना है, मेरा आप सभी से निवेदन यही है, और सभी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है। और क्लास का जो टाइम है वो 4 बजे है, ठीक है, 4 बजे। जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं 5 है, उन्हें देख लेना है, और ये क्लासेस से आपको कैरी करना है, इस क्लास से कैरी करना है 4 बजे, ठीक है। अगली क्लास जिनका जिनका ऑप्शनल बता दो, ऑप्शनल सोशियोलॉजी किनका किनका है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले बच्चे, जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, जिन बच्चों का ऑप्शनल सोशियोलॉजी है कितने बजे, ध्यान रखिएगा, जिनका भी ऑप्शनल सोशियोलॉजी है उनकी क्लास 6 बजे इसी चैनल, उनकी क्लास 6 बजे इसी चैनल, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, अपना अपना ध्यान रखिएगा सभी को।